नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट हाउस वायरिंग के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपके घर में भी कुछ इस प्रकार का बस एमसीबी के पास में फेज और न्यूट्रल की वायर आ रखे हैं, अब इसके बाद में सारी चीज़ें आपको करनी है तो आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वायरिंग को करोगे। दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जो हाउस वायरिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, बस आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना और समझना होता है। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आपको सब चीज़ अच्छे समझ में आए तो मैंने यहाँ पर सभी अलग अलग पोर्शन बना दिए हैं, आपको दिख भी रहा होगा। ये जो आपको यहाँ पे ये पोर्शन दिख रहा है ये हमारा रूम वन को शो कर रहा है, इसके अंदर जो भी चीज आएगी वो रूम वन के लिए होगी। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है ये रूम टू, तो यहाँ पर हम जो भी वायरिंग करेंगे रूम टू की करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम किचन की वायरिंग करेंगे, यहाँ पर हम हमारे वॉशरूम की वायरिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम हमारे पूरे घर की कंप्लीट वायरिंग कर लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हम वायरिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वायरिंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चीजें चाहिए होगी, तो सबसे पहले हमारी बाकी चीजें एमसीबी हमको चाहिए होगी, हमारे यहाँ पे फैन चाहिए होंगे, स्विच बोर्ड चाहिए होगा, सब की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हम उन सभी को ले लेते हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट इमेज में करता हूँ। तो फैन, बल्ब, एमसीबी, स्विच बोर्ड और ये मीटर जो है, मीटर पहले ही लग रहा है तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो बाकी चीजें मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये बाकी जितनी भी चीजें ये सभी हमारे यहाँ पे आ चुकी है, अब हम इन सभी को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सेट कर लेते हैं और इनके फिर वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम टू पोल की एमसीबी हमारी कहाँ लगाते हैं, तो जो भी हमारी गवर्नमेंट की सप्लाई आती है मीटर में, उस मीटर से जो आउटपुट हम निकालते हैं सप्लाई का, उसको हम सबसे पहले एक एमसीबी में लगाते हैं। वो इस वजह से लगाते हैं ताकि हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल सके। इसको अभी हम और आगे अच्छे से देखेंगे आखिर कैसे वायरिंग होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक टू पोल की एमसीबी लगा ली, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम सिंगल पोल की और एमसीबी लगाते हैं। अगर आप आपके घरों में देखोगे तो आप सिंगल पोल की एमसीबी और देखोगे, और घरों में हम एक सिंगल पोल की एमसीबी नहीं लगा रहे होते हैं, हम यहाँ पे तीन चार एमसीबी लगा रहे होते हैं। हम आखिर तीन चार एमसीबी क्यों लगा रहे हैं सिंगल पोल की, तो दोस्तों इसके पीछे मुख्य दो तीन रीजन हो जाते हैं। सबसे पहला हो जाता है हमारा जो पर्टिकुलर ये एक सेपरेट रूम है, इस रूम के लिए मैं हमारी अलग से एमसीबी दे सकता हूँ, ताकि कभी मेरे को इस रूम में कुछ सप्लाई कट करनी है तो मैं पर्टिकुलर सिर्फ एक एमसीबी को बंद करूंगा, मेरे को हमारी मेन एमसीबी बंद नहीं करनी पड़ेगी, जिसके कारण से अगर मेरे को रूम वन पे काम करना है तो बाकी रूम की सप्लाई कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज, हमारे इस एमसीबी की मदद से इस रूम को पर्टिकुलर अलग से और अच्छे से प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, तो वो भी चीज हो जाती है। अभी के लिए हमारे पास में हमको कितनी एमसीबी चाहिए होगी, तो रूम वन के लिए एक अलग एमसीबी, रूम टू के लिए एक अलग, किचन के लिए और वॉशरूम के लिए, मतलब हमको चार सिंगल पोल की अलग एमसीबी चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, ऐसी ही और एमसीबी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी दूसरी एमसीबी हो गई, इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारी एक और तीसरी एमसीबी ले लेता हूँ, और यहाँ पे फिर में एक और मैं चौथी एमसीबी ले लेता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने टोटल सिंगल पोल की चार एमसीबी ले ली है, और एक हमारी यहाँ पे टू पोल की हमारी घर की मेन एमसीबी आपको दिख रही है। इसके बाद में दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे रूम वन की वायरिंग को देख लेंगे, और रूम वन की वायरिंग अगर आप देखोगे अच्छे से तो उसके मदद से ही आप बाकी की चीजें भी आसानी से सीख जाओगे। अब हमारे रूम की जब भी हम बात करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, हमारे रूम के अंदर क्या क्या चीजें लगी रहती है, तो सबसे पहले सभी रूम के अंदर हमारा सीलिंग फैन तो लगा ही रहेगा, तो ये हमारा सीलिंग फैन हो गया। इसके बाद में दोस्तों हमारा सभी रूम के अंदर हमारा एलईडी बल्ब रहते हैं, तो ये हमारा एलईडी बल्ब हो गया, और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमको स्विच बोर्ड भी चाहिए होगा, तो ये हमारा स्विच बोर्ड इस रूम का यहाँ पर है। अब दोस्तों रूम वन के अंदर हमने सभी चीजों को सेट कर लिया है, हमारी एमसीबी को हमने प्रॉपर लगा लिया है, अब हम नेक्स्ट हमारी वायरिंग को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम हमारी मीटर और एमसीबी की साइड की वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मीटर की वायरिंग काफी ज्यादा आसान होती है, हम बिना मतलब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं है, हमारा जो मीटर है इस मीटर से हमें फेस और न्यूट्रल दो चीजें मिलेगी। हम क्या करेंगे, हमारे मीटर जो सबसे पहले हमको जो फेस मिल रहा है, यहाँ से हम फेस को उठाएंगे और इस फेस को हम हमारी एमसीबी में जाके कनेक्ट कर देंगे। तो हमने फेस वायर तो ले लिया एमसीबी में, इसके बाद में क्या चाहिए, हमें एक न्यूट्रल भी चाहिए होगा, तो हम हमारे न्यूट्रल की भी वायरिंग कर लेंगे, न्यूट्रल को भी हमारे मीटर से ले लेंगे, और मीटर से न्यूट्रल लेने के बाद भी हमने हमारी एमसीबी जोड़ दिया। अभी यहाँ पे न्यूट्रल का कलर आपको रेड दिख रहा है, इसे हम यहाँ ब्लैक कर देते हैं ताकि यहाँ पे समझने में हमें आसानी रहे। तो हम यहाँ पे ब्लैक कलर की वायर की मदद से हमारी न्यूट्रल की वायरिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, हमारी जो मेन एमसीबी है, इस मेन एमसीबी को जैसे हम ऑन करेंगे तो हमारा फेस वायर हमें मिलेगा, तो उस फेस वायर की अब हमें वायरिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फेस वायर उठाते हैं, और इस फेस वायर को हम कहाँ लेके जोड़ेंगे, तो हम हमारी जो हमारी ये एमसीबी है इन एमसीबी में ले जाके जोड़ देंगे। अब ऐसा करने से क्या हो दोस्तों, हमारा जो फेस वायर है, ये फेस वायर जो है हमारा ये नीचे हमारी सिंगल पोल की एमसीबी में आ गया, जो कि हम सेपरेट हर रूम के लिए लगा रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज करनी होती है, हमारी जितनी भी एमसीबी होती है ना, इन सभी एमसीबी में हम इस फेस वायर को कॉमन कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, तो हम ये जो हमारा फेस वायर जो मेन एमसीबी से आ रहा है, इसी में हम यहाँ पर लूप लगा देते हैं, और इस सभी एमसीबी से हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको भी सिंपल सा यही करना है, जिसकी मदद से क्या होगा, हमारी जो चारों एमसीबी है जो सेपरेट सभी अलग अलग रूम के लिए, वॉशरूम के लिए, किचन के लिए लगा रखी है, इन सभी में हमारे फेस सप्लाई आ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हमारा न्यूट्रल का काम बच जाता है, तो इस न्यूट्रल को आप अभी के लिए बिल्कुल भी ना छेड़िए, ये न्यूट्रल की वायरिंग करना काफी ज्यादा आसान है। अभी के लिए हम फटाफट से हमारे इस रूम वन की वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हमारे पर्टिकुलर एमसीबी के पास
पास की वायरिंग सारी कंप्लीट कर ली है, अब हमको क्या करना होगा, हम मान लेते हैं कि हमारी जो पहली एमसीबी ये हमारे रूम वन की है, इसके बाद में दूसरी एमसीबी ये हमारे रूम टू की है, ये तीसरी किचन की और ये चौथी वॉशरूम की है। तो हमें क्या करना है, हमारी जो पहली एमसीबी है रूम वन वाली, इस रूम वन वाली से हमको वायर लेना है फेस वायर, और हम क्या करेंगे हमारा जो ये हमारा स्विच बोर्ड है ना, इस स्विच बोर्ड में ले जाके हमारे फेस वायर को जोड़ देंगे। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, हमारा जो फेस वायर है ये हमारे रूम वन के स्विच बोर्ड में ले जाके जोड़ दिया। अब इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी होती है, नेक्स्ट काम दोस्तों हमारा ये रहता है कि हम जब भी हमारे स्विच बोर्ड में हमारे फेस वायर को लाते हैं ना, जो मेन फेस वायर है, इस फेस वायर को हम लाते हैं, अब इस फेस वायर को हम हमारे बाकी जितने भी स्विच है सभी में हम कॉमन कर देते हैं। मतलब कि अभी जैसे मैंने क्या किया, हमारे फेस वायर ले जाके सिर्फ इस एक स्विच पे जोड़ा है, इस हमारे पूरे स्विच बोर्ड के अंदर जो हमारे चार स्विच लग रहे हैं उसमें सिर्फ एक स्विच पे हमारे फेस वायर को जोड़ा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट काम हमारे इस फेस वायर को हमारे बाकी सभी स्विच के साथ में कॉमन कर दूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन सभी के अंदर हमारे इस फेस वायर को कॉमन कर देता हूँ। अब दोस्तों इस फेस वायर को कॉमन करने से क्या हुआ, हमारे सभी स्विच के अंदर हमारा फेस वायर मिल गया है। अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, तो फायदा हमें ये मिलेगा कि हमारे जितने भी स्विच है ना, इन सभी स्विच के अंदर हमारा फेस आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे इन स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से अगर हमें किसी को भी सप्लाई देनी है तो हम यहाँ से दे देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं मैं इस बल्ब को ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इस स्विच को यूज में लेता हूँ, इस स्विच से मैं एक वायर उठाता हूँ और हमारे इस बल्ब में ले जाके जोड़ देता हूँ। तो ऐसा करते ही क्या हुआ, हमारे इस बल्ब को फेस मिल गया है, जो कि मिला इस स्विच की वजह से। जैसे मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो हमारे इस बल्ब को फेस सप्लाई मिल जाएगी। अभी दोस्तों ये बल्ब चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसे न्यूट्रल नहीं मिला, लेकिन अगर इसे न्यूट्रल मिल जाता है तो हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमारे बल्ब डायरेक्ट चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए इस बल्ब को न्यूट्रल देने से पहले हम हमारे फैन की, इस सॉकेट की, इन सभी की वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फैन की वायरिंग करते हैं। फैन की वायरिंग के लिए क्या होगा, हमारा ये वाला स्विच है, ये फैन को कनेक्ट करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, फैन को डायरेक्ट सप्लाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमें फैन के वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, इस फैन की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस स्विच को फैन को रेगुलेट करने के लिए ले रहे हैं, तो इस स्विच को सबसे पहले हम ले जाके हमारे रेगुलेटर में जोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारे इस स्विच से जो वायर उठाया वो हमारे रेगुलेटर में जोड़ा, और रेगुलेटर से जो आउटपुट निकला, उस रेगुलेटर के आउटपुट को हम हमारे ले जाके हमारे इस फैन में दे देंगे, जिसकी मदद से हमारे इस फैन को भी अब फेस सप्लाई मिल चुकी है। और बीच में हमने यहाँ पे रेगुलेटर भी लगा लिया है, जिसकी मदद से अगर हमें कभी इस फैन की स्पीड को कंट्रोल करना होगा तो हम आसानी इस रेगुलेटर की मदद से भी कर पाएंगे। अभी दोस्तों हमने यहाँ पर इस पहले स्विच को और तीसरे स्विच को यूज में ले लिया, पहले को और पंखे के लिए और तीसरे को हमने इस बल्ब के लिए, लेकिन हमारे दूसरा स्विच खाली है। तो इस दूसरे स्विच से आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हम चाहे तो हम यहाँ पे एक टीवी लगा के हम डायरेक्ट टीवी को यहाँ सप्लाई दे सकते हैं। अभी के केस में मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए एक और बल्ब लगा लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इसी बल्ब को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस बल्ब को यहाँ से इस कनेक्टर की मदद से डायरेक्ट इसकी मदद से यहाँ से बल्ब को यहाँ पे फेस कनेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों क्या हुआ, हमने यहाँ से हमारे इस बल्ब को भी सप्लाई दे दी है। आप इस बल्ब की जगह आपके रूम की कोई छोटी लाइट, जो हमारी डिम लाइट होती है, नाइट की लाइट होती है, उनको भी लगा सकते हैं, आपकी टीवी को कंट्रोल कर, किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो चीज आपकी चॉइस है। लेकिन जो वायरिंग होती है वो वायरिंग कुछ इस प्रकार से होती है। लेकिन दोस्तों अभी इस रूम के अंदर एक और वायरिंग बाकी है, वो किसी की बाकी है, हमारे इस बोर्ड के अंदर ये जो सॉकेट है ना, इस सॉकेट की बाकी है। तो सॉकेट की वायरिंग कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सॉकेट के लिए हमें क्या करना है, हमारे ये स्विच जो है, ये स्विच फ्री है, इसको हम सॉकेट के लिए यूज में ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस स्विच की मदद से हमारे फेस वायर को हमारे सॉकेट में दे देंगे। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, इस स्विच की मदद से हमारे इस फेस वायर को इस सॉकेट को दे दिया है। तो अब हमारे इस सॉकेट को फेस वायर मिल गया है। तो अब इस तरीके से हमारे इस रूम वन की वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये सभी इक्विपमेंट अभी चलेंगे नहीं, क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी हमने न्यूट्रल को तो दिया ही नहीं। तो अभी हम न्यूट्रल भी देते हैं। न्यूट्रल के लिए हम क्या करेंगे, हम इस एमसीबी से इस न्यूट्रल को उठाते हैं और हमारे इन सभी जगह डायरेक्ट दे देते हैं। यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर एक चैनल को बना सकते हैं और इस चैनल पर हम सभी रूम के न्यूट्रल के लिए अलग अलग पॉइंट दे देते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला पहला पॉइंट हमने दिया, इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट दे देते हैं दूसरे रूम के लिए, फिर हम किचन के लिए एक तीसरा पॉइंट दे देते हैं और साथ ही साथ हम हमारे वॉशरूम के लिए चौथा पॉइंट देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, ये न्यूट्रल के लिए पॉइंट दे दिया और इन सभी को हम क्या करते हैं, हम सीधा इन सभी को आपस में साथ में शॉर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हम अगर एक जगह लाके न्यूट्रल को यहाँ जोड़ेंगे तो हमारे सभी के अंदर न्यूट्रल चल जाएगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, हमारी इस एमसीबी से न्यूट्रल को उठाता हूँ, हमारे चैनल पे जोड़ देता हूँ, जो कि हमारी न्यूट्रल वाली चैनल है। तो अभी यहाँ पे न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल के लिए हम यहाँ पे कलर ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब हमने यहाँ पे न्यूट्रल को भी सेलेक्ट कर लिया है और इस तरीके से न्यूट्रल यहाँ पे चैनल पे देते ही हमारे बाकी के जितने भी पॉइंट है सभी पे हमको न्यूट्रल भी मिल चुका है। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पहले पॉइंट से हमारे न्यूट्रल को लेकर रूम वन में सब जगह न्यूट्रल जोड़ते हैं। तो न्यूट्रल की वायरिंग के लिए आपको सबसे पहली चीज एक बात ध्यान रखनी है कि हमको यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगाया, इस रूम वन के अंदर हमने एक स्विच बोर्ड लगाया, जिस स्विच बोर्ड के अंदर हमारा यहाँ पे सॉकेट है। तो आपको इस बात का ध्यान, जब भी हमारे पास में कोई सॉकेट होता है ना स्विच बोर्ड में, तो इस केस में हमको स्विच बोर्ड के पास भी न्यूट्रल को ले जाना होता है।
अगर हमारा यहाँ पे सॉकेट नहीं होता तो उस केस में हमको यहाँ पे स्विच बोर्ड के पास न्यूट्रल नहीं ले जाना होता, हम डायरेक्ट हमारे जितने भी अप्लाइंस है जैसे पंखा है, ये बल्ब है, इस बल्ब को हम डायरेक्ट हमारे न्यूट्रल ले जाके यहाँ से जोड़ देते हैं। लेकिन अभी केस में हमारे पास में यहाँ पे सॉकेट भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको हमारे इस बोर्ड के अंदर सॉकेट के अंदर भी न्यूट्रल को ले जाके जोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम हमारे सॉकेट को न्यूट्रल देते हैं, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ न्यूट्रल वायर को उठाता हूँ और न्यूट्रल वायर को उठा के हमारे इस यहाँ पे ले जाके इस सॉकेट पे जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ से न्यूट्रल को उठाया और हमारे सॉकेट में दे दिया। अब इसके बाद में दोस्तों मुझे क्या करना है, हमारे और भी न्यूट्रल की मुझे आवश्यकता है जो कि मुझे किस जगह जोड़ना है, इस फैन को देना है, इस बल्ब को देना है और इस बल्ब को देना है। तो मैं क्या करता हूँ इसी जगह से लूप ले लेता हूँ न्यूट्रल का और यहाँ से लूप लेके न्यूट्रल का और मैं इधर से हमारे इस फैन को भी हमारे न्यूट्रल दे देता हूँ। तो इस तरीके से हमने हमारे इस फैन को भी न्यूट्रल दे दिया। अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, हमारे इस बल्ब को भी न्यूट्रल देना है। तो बल्ब को न्यूट्रल देने के लिए मैं क्या करूँगा, कहीं से भी, यानी ये जो न्यूट्रल है ये न्यूट्रल हमारा लूप में चलता है, हमारे न्यूट्रल के अंदर हम यहाँ पे कहीं पे भी छील के इस न्यूट्रल को यहाँ से कॉमन लेके इस बल्ब को दे देते हैं। हमारे घरों में वायरिंग आप देखोगे अधिकतर केस में यही होता है, हम ऐसा नहीं करते कि हम इस बल्ब को न्यूट्रल देने के लिए हम इस चैनल से जाके न्यूट्रल को लेके आएंगे, हम ऐसा नहीं करते, हम पास में जहाँ पे भी न्यूट्रल होता है उस न्यूट्रल वायर से इस बल्ब को प्रोवाइड कर देते। तो अभी के केस में आपका ये वाला वायर पास में है तो हम क्या करेंगे इसी वायर की मदद से यहाँ से हमारे इस बल्ब को भी न्यूट्रल सीधे सीधे दे देंगे। तो अब हमारे इस बल्ब को न्यूट्रल भी मिल चुका है। अब आखिरी के अंदर हमारे इस रूम की पूरी वायरिंग कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ इस आखिरी बल्ब को भी न्यूट्रल देना है। तो हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा सिंपल है, यहीं से हम एक वायर को उठा लेते हैं और इस न्यूट्रल को हम सीधा सीधा ले जाके हमारे इस बल्ब के साथ में यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। तो दोस्तों आखिरी बल्ब को न्यूट्रल भी मैंने इसी वायर से मल के लूप की मदद से दे दिया है। हमने क्या किया, यहाँ से एक लूप उठाया और हमारे इस बल्ब को सीधा ले जाके न्यूट्रल दे दिया है। तो दोस्तों अभी इस तरीके से हमारे रूम 1 की वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे फेस न्यूट्रल सभी चीजों को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, हमारे फैन को रेगुलेटर की मदद से, इसके अलावा हमने इस बल्ब को इस स्विच की मदद से, इस दूसरे बल्ब को इस दूसरे स्विच की मदद से और यहाँ पर जो इको स्विच बचा इसकी मदद से हमने हमारे सॉकेट को कंट्रोल किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक हमारी जो वायरिंग है वो वायरिंग कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। हमारी इस वायरिंग के अंदर हमने मीटर से फेस वायर को ले लिया है और उसके बाद में हमने हमारे रूम 1 की वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा हूँ ये सारा सर्किट बनाने के लिए, सारे डायग्राम बनाने के लिए। तो इस समय मैं वंडरशेयर का ईड्रो मैक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग ले रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, इसे मैं काफ़ी समय से यूज भी ले रहा हूँ। अगर आप भी इसको यूज करना चाहते हो तो आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, इसके डाउनलोड के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के मैं सबसे मुख्य फायदे की बात करूँ जिसकी वजह से इसको यूज करने में काफ़ी मदद मिल जाती है तो वो हमारा सिंबल सेक्शन है। यहाँ पर क्या है ना, हमको प्री डिफाइंड लाइब्रेरी मिल जाती है जिसके अंदर अभी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी मिल जाएगी जिसमें आपको कई सारे इलेक्ट्रिकल के सिंबल मिल जाएंगे। अब ये जो सभी सिंबल है ना, इन सभी सिंबल की हमें आवश्यकता उस समय पड़ती है जब भी हम कभी कोई भी वायरिंग कर रहे होते हैं तो उस समय हमें सिंबल को नेट से डाउनलोड करना होता है। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे पहले से ही लाइब्रेरी दे दी जिसकी मदद से हमें इन सभी सिंबल को नेट से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सभी सिंबल यहीं पे आसानी से मिल जाएंगे। तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, इसकी मदद से आपका काम काफी ज्यादा आसानी से और बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अभी के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे रूम 2 की वायरिंग कर लेते हैं। तो रूम 2 की वायरिंग भी सेम इसी तरीके से रूम 1 के जैसी होगी। तो अभी के लिए हम चाहते नहीं कि हमारा काम ज्यादा बढ़े क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चीज को वायरिंग को बना रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पूरी वायरिंग को रूम 1 की वायरिंग को कॉपी करके रूम 2 में पेस्ट कर देंगे। तो ये हम आसानी से सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी चीजों को यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद में मैं हमारा कंट्रोल सी कॉपी के बटन को यूज करूंगा और आगे जाके ले जाके कंट्रोल वी कर दूंगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी पूरी वायरिंग है रूम 1 की वो सेम एज इट इज हमारे रूम 2 में आ गई है। अभी हमने जिन जिन चीज़ों को कॉपी किया था वो चीज़ें हमारी कॉपी हुई है। अभी हमको रूम 2 की वायरिंग करने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ हमें इस जगह न्यूट्रल ला के जोड़ना है और हमारे इस जगह हमको फेस ला के जोड़ना है और ऐसा जोड़ते ही हमारे रूम 2 की वायरिंग भी पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों फटाफट से हमारी रूम 2 की वायरिंग को कर लेंगे। कैसे करेंगे, अभी हमको रूम 2 की वायरिंग करने के लिए हम एक नई MCB लेंगे क्योंकि हम सभी रूम को अलग अलग MCB से सेपरेट कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक कनेक्टर वायर उठाते हैं और हमारे ये दूसरी MCB के वहां से उठाते हैं और इस वायर को ले जाके हम क्या करेंगे, हमारे नीचे जितने भी स्विच है इन स्विच में किसी में भी एक में जोड़ देंगे। अभी हमने इस पहले वाले स्विच में जोड़ दिया तो इस स्विच में जोड़ते क्या हुआ, हमारे बाकी के सभी स्विच इसी स्विच से कॉमन कर रखे हैं, शॉर्ट कर रखे हैं, जिसकी मदद से बाकी स्विच में हमारा फेस डायरेक्ट मिल चुका है। तो इस आसान से तरीके से हमारे पूरे रूम 2 की वायरिंग हो गई है, हमारे सभी जगह फेस पहुंच चुका है। लेकिन अभी न्यूट्रल बाकी है तो न्यूट्रल हमको भेजना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहीं से हमारे न्यूट्रल को ले जाते हैं और हमारे इस जगह ले जाके जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे रूम 2 को न्यूट्रल भी दे दिया है, ये न्यूट्रल हमने हमारी मेन चैनल से ले जाके न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको रूम 2 की वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट दिख रही है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर हमारी एक चीज की और कमी रह चुकी है। वो क्या कमी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमारे स्विच बोर्ड के अंदर अगर हमने सॉकेट लगा रखा है तो इस केस में हमें सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल ले जाना पड़ता है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रल को भी दे देते हैं। तो हमारे पास में ये वायर भी आ रखा है, इसी वायर को हम यहाँ से ले जाके हम सीधे यहाँ पे ले जाके न्यूट्रल को जोड़ देते हैं। तो
दोस्तों अभी हमने हमारे रूम वन की वायरिंग और रूम टू की वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। अभी हमारा किचन और वॉशरूम की वायरिंग बाकी है। अभी हमारी नेक्स्ट किचन की वायरिंग भी पूरी तरीके से सेम ही रहती है, लेकिन हम किचन के अंदर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सीलिंग फैन की जगह यहाँ पर हम एग्जॉस्ट लगा देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे काम को आसान करने के लिए हमारे वापस से इस पूरी वायरिंग को कॉपी कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमें डायग्राम बनाने में आसानी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से हमारी इधर की पूरी वायरिंग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में हमारे किचन सेक्शन में ले जाके इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसे पेस्ट कर लिया है और किचन सेक्शन में लेके आ गए, लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर इस बल्ब को हटाकर, क्योंकि किचन के अंदर हमको दो बल्ब की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम यहाँ पर इस बल्ब को हटाकर यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे। तो अब यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें वापस से इमेज यूज करनी है। हम चाहें तो सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के सभी सिंबल दे रखे हैं, हम इनको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको प्रैक्टिकली अच्छे से समझना चाह रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इमेज को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन की भी इमेज है, तो इसे मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और इसे ओपन करने के बाद में हमारी साइज के अकॉर्डिंग कम करके हमारे बल्ब की जगह यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन को लगा देते हैं। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगा दिया। अभी दोस्तों हमारा किचन की पूरी वायरिंग पहले से ही कंप्लीट हो रखी है, हमारे सॉकेट के अंदर भी हमारा न्यूट्रल भी आ रखा है। बस अभी हमको इस वायरिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, हमको सिर्फ यहाँ पर फेस और एक न्यूट्रल को ले जाके जोड़ना है। तो अभी सबसे पहले हमको फेस देना है, तो फेस हम कहाँ से देंगे, तो वो सभी आपको ऑलरेडी पता ही है कि हमको फेस देने के लिए तीसरी MCB यूज करेंगे। तो यहाँ से हम फेस उठाएंगे और इस फेस को ले जाके हम हमारे डायरेक्ट इस सप्लाई में यहाँ पे इस वायर के साथ में जोड़ देंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमने तीसरी MCU से फेस उठाया और हमने यहाँ पे ले जाके हमारे, जो मैंने आपको बताया था, हमारे स्विच बोर्ड के अंदर ले जाते हैं हम फेस और नीचे कहीं पे भी एक जगह लगा देते हैं और बाकी चीज़ों को हमने कॉमन पहले से कर रखा है। तो अभी हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, सभी को फेस मिल चुका है, लेकिन अभी न्यूट्रल नहीं मिला है। न्यूट्रल की वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट है, लेकिन इन सभी वायरिंग के अंदर हमारा न्यूट्रल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे एक न्यूट्रल को लाना पड़ेगा। तो न्यूट्रल के लिए हमारे पास में ये चैनल है, तो इस चैनल से हम आसानी से न्यूट्रल को फटाफट से ले आते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कनेक्टर को वायर को यूज में लेंगे और हम यहाँ से तीसरे पॉइंट से न्यूट्रल को उठाते हैं और फिर इस न्यूट्रल को ले जाके हम हमारे सीधा हमारे किचन के अंदर हमारे न्यूट्रल के साथ में जोड़ देंगे। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया है, हमारा जो किचन है, इस किचन को भी फेस न्यूट्रल दे दिया है। कैसे दिया है, तो ऑलरेडी सिंपल सी बात है, हमारी तीसरी MCB से फेस दिया है और हमने इस चैनल से उठाया न्यूट्रल और इस न्यूट्रल को ले जाके हमने यहाँ पर इस जगह दे दिया है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर बीच में कहीं पर न्यूट्रल जोड़ता हूँ, तो बाकी न्यूट्रल हमने कहीं पर भी कट तो कर नहीं रखा, किसी भी जगह हमने न्यूट्रल को स्विच से काट नहीं रखा, तो हमारा जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल सभी जगह सभी इक्विपमेंट में चले जाएगा, इस फैन में भी चले जाएगा और इसी वायरिंग के अंदर जो फैन के अंदर न्यूट्रल जा रहा है, यहीं पर हमने लूप लगा रखा है, इस एग्जॉस्ट को दे रखा है, इस एग्जॉस्ट के अंदर जो न्यूट्रल जा रहा है, यहीं पर लूप लगा के हमने इस बल्ब को दे रखा है और यहाँ पर नीचे से हमने यहाँ पर सॉकेट को भी दे रखा है। तो न्यूट्रल कहीं पर भी हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मतलब हमारे किचन की भी वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों इन सभी के बाद हमारे दोनों रूम की वायरिंग हो गई, किचन की वायरिंग हो गई, अब बस आखिरी में हमारे वॉशरूम की वायरिंग बची है। तो इसके लिए अब हमें वॉशरूम के लिए एक स्विच बोर्ड चाहिए होगा और हमको वॉशरूम में क्या क्या, एक लाइट यूज करते हैं, हम एग्जॉस्ट यूज करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम इंसर्ट कर लेते हैं, हमारी इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक स्विच बोर्ड चाहिए, स्विच बोर्ड के साथ में हमारा एक एग्जॉस्ट चाहिए और हमारा एक हमें LED बल्ब चाहिए। इसके अलावा हमें फैन की आवश्यकता नहीं है, तो हम फैन नहीं लगाएंगे और अगर हम चाहें तो हमारे यहाँ पे स्विच बोर्ड जो है वो बिना रेगुलेटर वाला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे सीलिंग फैन को लगा नहीं रहे, तो यहाँ पर हमको वैसे रेगुलेटर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कई केसेस में रेगुलेटर को रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें कल को एग्जॉस्ट फैन की स्पीड को कंट्रोल करना चाहें या फिर हम कल को सीलिंग फैन भी लगाना चाहें, तो उस चीज के लिए हमें फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अधिकतर केसेस में आपको रेगुलेटर के साथ में आपके वॉशरूम के अंदर भी आपको स्विच बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने भी वही चीज करी है, हमने हमारे रेगुलेटर को नहीं हटाया, वही स्विच बोर्ड ले लिया है और हम अब इसी के साथ में हमारी वायरिंग को भी कर लेंगे। तो वायरिंग करना वापस से काफी ज्यादा आसान है, अभी हम वायरिंग को एक एक करके ड्रॉ करेंगे ताकि आपको वापस से रिविजन भी हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले फेस वायर को लाना है जो कि हमको इस स्विच बोर्ड में देंगे। तो यहाँ पे हमारी MCB भी आपको दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कनेक्टर लेते हैं, वायर लेते हैं, इस MCB से हमारे एक वायर को उठाते हैं और इस वायर को ले जाके सीधा हमारे जो नीचे स्विच है, इन स्विच में किसी भी एक स्विच में ले जाके जोड़ देते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर MCB से हमारा फेस आ चुका है हमारे स्विच बोर्ड में। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्या करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारा फेस है, इन सभी फेस को हमारे बाकी स्विच के अंदर कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक और वायर को कनेक्टर को उठाता हूँ और यहाँ पर वायर को कॉमन कर देता हूँ बाकी सभी स्विच के अंदर। तो अब क्या हुआ, हमारे सभी स्विच के अंदर हमारा फेस आ चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या करना है, हमें इस बल्ब को कंट्रोल करना है। तो बल्ब को कंट्रोल करने के लिए क्या करता हूँ, मैं इस वाले स्विच को यूज में ले लेता हूँ। तो इस स्विच से मैं एक वायर को उठाता हूँ और सीधा हमारे इस बल्ब में ले जाके फेस दे देता हूँ। तो हमारे इस बल्ब को फेस मिल गया है। इसके बाद में हमारे इस एग्जॉस्ट फैन को भी हमको फेस देना है। तो एग्जॉस्ट फैन के लिए मैं हमारा ये दूसरा वाला स्विच यूज ले लेता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर मैं एग्जॉस्ट फैन पे ले जाके हमारे ये फेस दे देता हूँ। अभी दोस्तों नेक्स्ट हमको इस वॉशरूम के लिए न्यूट्रल लाना है। तो न्यूट्रल हम इसी किचन वाले न्यूट्रल को यूज में ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हमारे किचन का ये चैनल से ही जा रहा है, तो आपको दिख रहा है। और साथ ही साथ हमारे
वॉशरूम के अंदर ज़्यादा इक्विपमेंट भी नहीं है, अगर हमारे ज़्यादा कहीं पे लोड होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे डायरेक्ट चैनल से न्यूट्रल के लिए एक अलग सेपरेट वायर लाते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है तो हम इसी न्यूट्रल को यहीं से कॉमन लेके यूज में ले लेंगे, और ये न्यूट्रल हमको पास भी दिख रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्टर लेते हैं, इसी न्यूट्रल को हम सबसे पहले हमारे वॉशरूम में ले आते हैं। तो वॉशरूम के अंदर मैं यहाँ पे न्यूट्रल लेके आ चुका हूँ यहाँ से लूप लगा के, और इसके बारे में क्या करूँगा, इस न्यूट्रल को हमारे सबसे पहले स्विच बोर्ड में दूंगा। इस स्विच बोर्ड में क्यों दे रहा हूँ, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि हमारे इस स्विच बोर्ड में सॉकेट लग रहा है, तो जहाँ पे भी सॉकेट लगा रहता है तो वहाँ पे हमको न्यूट्रल ले जाना पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट मेरा बल्ब और हमारा ये एग्जॉस्ट फैन दोनों को न्यूट्रल दे देते हैं, तो इनको भी मैं फटाफट से न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से लूप लगा के इस एग्जॉस्ट फैन को न्यूट्रल दे दिया है, और इसके बाद में आखिरी के हमारे इस बल्ब को न्यूट्रल देना है, तो बल्ब को भी मैं यहीं से इसी से लूप लगा के बल्ब को भी न्यूट्रल दे दूंगा, तो आसानी से यहाँ पे हमारा बल्ब का न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमारा यहीं से लूप आके हमारे इस बल्ब को भी न्यूट्रल मिल गया है। अब दोस्तों इस तरीके से हमारी वॉशरूम की भी वायरिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर वॉशरूम के अंदर हमने एक मिस्टेक अभी भी रख रखी है। क्या रख रखी है तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने यहाँ पे सॉकेट को हमने यहाँ पर फेस नहीं दिया है, हमने न्यूट्रल दे दिया है, तो अभी हमारा कोई भी उपकरण चलेगा नहीं। अगर हम यहाँ पर कोई भी मशीन कुछ भी प्लग को लगाएंगे तो वो चलेगा ही नहीं हमारा लोड। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फेस भी देना पड़ेगा। तो फेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने ये वाला स्विच हमने फ्री दे रखा है, तो इसी स्विच की मदद से हम यहाँ पर इस स्विच के अंदर यहाँ पर फेस दे देंगे। तो फेस देते ही हमारे स्विच को फेस और न्यूट्रल दोनों मिल गए, और हमारे वॉशरूम का जो स्विच बोर्ड है इसकी भी वायरिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि हमने आसानी से पूरी कंप्लीट हाउस वायरिंग कर ली है, जिसके अंदर हमने पूरे मीटर से वायर को उठाया था और सब चीजों को कंट्रोल किया है। हमारा रूम 1, रूम 2, किचन और वॉशरूम तक भी सब चीजों को हमने कंट्रोल कर लिया है। तो उम्मीद है कि अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार हाउस वायरिंग कैसे करते हैं। वीडियो के आखिर में वापस से आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ, जिसकी मदद से हमने आसानी से इतनी बड़ी वायरिंग को कंप्लीट किया। तो यह हमारा वंडरसेर का ईड्रोमैक्स सॉफ्टवेयर है, इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके मुख्य फायदे क्या है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि सिंबल हमें मिल जाता है, लाइब्रेरी मिल जाती है पूरी। इसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ पर टेम्पलेट भी मिल जाते हैं कि अगर आपके पास में इतनी बड़ी वायरिंग है आप इसे पूरी ड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे क्या लाइब्रेरी की मदद ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, टेम्पलेट की मदद ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, तो फाइल जो सेक्शन है इस फाइल सेक्शन में आपको यहाँ पर टेम्पलेट चीजें मिल रही है। यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्री बिल्ड बहुत सारी टेम्पलेट है, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, और यहाँ पर सर्च करते ही आपके सामने जो भी आपने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग आपको टेम्पलेट मिल जाएगी। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे वायरिंग सर्च मारा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्लान, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे पूरी हाउस वायरिंग की टेम्पलेट मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है, आपको कई सारी टेम्पलेट मिल जाती है। अगर इस ईड्रोमैक्स सॉफ्टवेयर की डाउनलोड की बात करें तो हमारे सभी प्लेटफॉर्म में सपोर्ट कर लेता है, आप इसे विंडोज में, लिनक्स में, मैक में, और साथ ही साथ आपके जो क्रोम ब्राउजर है उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हो, तो ये भी इसका बेनिफिट हो जाता है। अब दोस्तों आखिरी में हमने पूरी वायरिंग कर ली है, अब हम इसे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फाइल सेक्शन में हम यहाँ पे सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है, जहाँ पर भी आप इसे सेव करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है, इस डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर ही हमारा ये सेव हो जाए। इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज करके हाउस वायरिंग कर देता हूँ। तो मैंने इसे कंप्लीट हाउस वायरिंग कर लिया है, और इसके बाद में मैं इसे कई सारे फॉर्मेट में आसानी से सेव कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसे हमारे पीडीएफ के लिए सेव करता हूँ, तो पीडीएफ में मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो ये हमारी सेव हो चुकी है, और आपको ये पीडीएफ का व्यू भी दिख गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो वायरिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। आगे से आप भी आसानी से इस सॉफ्टवेयर की मदद से वायरिंग को बना के कहीं पे भी इसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।